थाना कोतवाली क्षेत्र के बैंक रोड विजय चौराहा के समीप से कोतवाली पुलिस ने गौकशी के आरोपी 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नूरशेद पुत्र शब्बीर आजम निवासी लक्ष्मीपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई। कोतवाली थाना परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का गोतस्कर है, जो पशुओं को चुराकर बिहार के रास्ते बंगाल ले जाकर बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, एसएसपी महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था कि शहरों में घूम फिर करके गायों की चोरी करते थे, अन्य छोटा जानवरों को चोरी से उठा लेते थे और उठा करके चले जाते थे। इस तरह से शहर में क्षेत्र में इन्होंने आतंक पैदा कर रखा था। विगत एक माह पहले कोतवाली क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके पकड़ा गया था। इन्होंने कोतवाली पुलिस की जीप में टक्कर भी मारी थी, जान से मार देने की नीयत से, जिसके संबंध में मुकदमा कायम था। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, जिसे जेल भेजा गया था। इस पर 10,000 रुपये का इनाम है। इसके अन्य दो साथियों पर भी 10,000 रुपये का इनाम है और ये आज पकड़ा गया है स्वाट टीम द्वारा और कोतवाली पुलिस द्वारा मिल करके पकड़ा गया है। अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये यहाँ से पशु चोरी करते हैं और एक कुशीनगर ले जा करके जंगल क्षेत्र में इनका बाड़ा बना हुआ है, बाड़ों में रोकते हैं और रात्रि में फिर वहाँ से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल की ओर सप्लाई करते हैं।